मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके क्रैश कोर्स में ऑन यूपीपीसीएस 2024। आज हम लोग करंट अफेयर्स की बात ही करेंगे, ठीक है। कुछ दिन करंट अफेयर्स को दे दीजिए और करंट अफेयर्स में बात करेंगे हम लोग सबसे पहले डिफेंस सेक्टर की। कितने भी 10 महीने के पुराने जितने भी न्यूज हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे इसमें। लेट स्टार्ट। देखिए यहाँ पे सारे एक्साइजेस जो भी हैं वो सब हम लोगों ने इनके नाम लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले मिलन 24, ठीक है। मिलन 24 क्या हो रहा है? मल्टी नेशन है, कई सारे नेशन एक साथ आते हैं और ये विशाखापट्टनम में हुआ था, ठीक है। मिलन 24 याद रखिए, मल्टी नेशन है इंक्लूडिंग इंडिया ऑफ कोर्स। इसके अलावा चक्रवात, चक्रवात कहाँ हुआ था? चक्रवात हुआ था गोवा में, ठीक है। और आपका डिजास्टर रिडक्शन के लिए था, ठीक है ना, HADR डिजास्टर रिडक्शन के लिए था, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए था। HADR का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ये है फुल फॉर्म ऑफ HADR। तो इसमें कौन कौन था गोवा में? आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का था। चक्रवात याद रखिए, फिर कैज इंड, नाम से पता चल रहा है कैज और इंड, कजाकिस्तान और इंडिया। हुआ कहां पे था? ओटर कजाकिस्तान, नेवल था ऑब्वियसली कजाकिस्तान के साथ। इसके बाद बोंगो सागर, बोंग लगा हुआ है तो मतलब बांग्लादेश की बात हो रही होगी, तो इंडिया और बांग्लादेश का नेवल ऑब्वियसली है, ठीक है। कहां पे हुआ था? नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में। फिर त्रिशक्ति, त्रिशक्ति प्रहार, ठीक है ना। तो त्रिशक्ति हो गया, तो तीन शक्ति कौन सा है? देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। कहां पे हुआ था? जैसलमेर में, ठीक है। नेक्स्ट सी गार्जियन 3, सी गार्जियन 3 जो है कराची पोर्ट में हुआ था। इसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान और चाइना का था, नेवल था, नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये सी गार्जियन हो गया। नेक्स्ट सूर्य किरण, सूर्य किरण बड़ा फेमस है, नेपाल के साथ होता है, तो पिथौरागढ़ में हुआ था ये, इंडिया और नेपाल का ज्वाइंट था, ठीक है। ज्वाइंट मतलब सारे इंडिया नेपाल था और ये पिथौरागढ़ में हुआ था सूर्य किरण, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मित्र शक्ति की। मित्र शक्ति श्रीलंका का है, आउंड पुणे में हुआ था इंडिया और श्रीलंका का, ठीक है ना, याद रखिएगा ये। ऑस्ट्रा हिंद, तो ऑस्ट्रा और हिंद है यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में था, पर्थ ऑस्ट्रेलिया। ये सब आसान वाले हैं, ये सब तो मिस्टेक नहीं होगा। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार ये भी इंडिया और यूएसए का है, काफी फेमस है, बहुत सालों से हो रहा है, उमरोई मेघालय में हुआ था ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें देखिए आसान वाले तो याद रखिए, ये सूर्य पूरण, मित्र शक्ति, ऑस्ट्रा हिंद आएगा तो गलत नहीं करेंगे, वज्र प्रहार भी आसान है, ठीक है। बोंगो सागर कैजेंट भी गलत आप नहीं करेंगे करोगे। त्रिशक्ति प्रहार, सी गार्जियन वैसे याद रखिए, पाकिस्तान और चाइना वाला, और मिलन 24 मल्टी नेशन है। चक्रवात याद रखना है आपको, चक्रवात आपका HADR का है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, ये आपका चक्रवात है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये सब लोग हम लोग सारे एक्साइज की बात करेंगे लाइन से। नेक्स्ट अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा फ्लड हमास वालों ने किया इसराइल पे अटैक, ऑपरेशन का नाम था अल अक्सा फ्लड, हमने देखा था। उसके बाद जवाबी कार्रवाई की इसराइल ने, उल्टा काउंटर दिया और ऑपरेशन किया आयरन स्वॉर्ड्स ऑपरेशन, बिल्कुल आयरन स्वॉर्ड से मतलब अलर्ट टाइट कर दिया हमास की, ठीक है। तो इसी इसके बीच में इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया ने देखिए ऑपरेशन अजय किया, जितने लोग फंस गए हैं इसराइल और हमास की लड़ाई में इसराइल में, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय किया। याद रखिए अल अक्सा फ्लड, आयरन स्वॉर्ड एंड देन ऑपरेशन अजय। इसके बाद संप्रीति, संप्रीति भी इजी है, देखिए बांग्लादेश और इंडिया का उमरोई मेघालय में है। उसके बाद हरिमाऊ शक्ति, ये नया है, ठीक है, इसको याद रखना है। हरिमाऊ शक्ति ये उमरोई में है, इंडिया और मलेशिया, इंडिया और मलेशिया के बीच में है ये, ठीक है ना, इसको याद करिए, ये नया है, ठीक है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का भी हुआ था नेवल एक्सरसाइज गल्फ ऑफ गिनी में। उसके बाद कैम्ब्रियन पेट्रोल, कैम्ब्रियन पेट्रोल कहाँ हुआ था? वेल्स और ब्रिटेन, एक प्रकार का कंपटीशन था, ठीक है, और कंपटीशन में कई कंट्रीज ने पार्ट लिया था, जीता कौन था? देखिए 3 और 5 गोरखा राइफल्स ने विक्ट्री कर करी थी, तो कैम्ब्रियन पेट्रोल जीतने वाले कौन से हैं? इंडिया के गोरखा राइफल्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जायद तलवार, जायद तलवार कहाँ हुआ था? राशिद पोर्ट दुबई, इंडिया और यूएई के बीच में था जायद तलवार, ठीक है। INS वाइजैक और INS त्रिकंड ये गया था करने के लिए, जायद तलवार याद रहेगा यूएई के साथ, ठीक है। हरिमाऊ शक्ति याद रहेगा मलेशिया के साथ। नेक्स्ट ऑस इंडेक्स आसान है, ये तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया लिखा है तो सिडनी में हुआ था, नेवल है, ये भी याद रहेगा। ब्राइट स्टार देखिए ये याद करना है, ब्राइट स्टार जो है कायरो बेस में हुआ था, कायरो की तरह ग्रीस में है तो ग्रीस हो गई, इंडिया वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो इंडिया भी होगा। इसके अलावा देखिए ग्रीस इंडिया के साथ साथ यूएस कतर और सऊदी, यूएस कतर और सऊदी
इनके साथ हुआ था कायरो बेस में आपका ऑपरेशन ब्राइट स्टार। ठीक है, ये तो बात हो गई। देखिए इसमें क्या क्या याद रखना, अलग सा आयरन शॉट याद हो जाएगा और आपका ऑस इंडेक्स भी याद हो जाएगा, ऑपरेशन अजय भी याद हो जाएगा, कैंपिंग पेट्रोल गोरखा राइफल जीती है, इंडिया यूई गल्फ ऑफ गिनी, हरिमाओ शक्ति याद रखिए बिल्कुल, ये थोड़ा सा भूलने का चांस है, मलेशिया और इंडिया का उमरोई में, और ब्राइट स्टार याद रखिए आपका 5 कंट्रीज इंडिया के साथ, यूएस, ग्रीस, कतर और सऊदी अरेबिया, बाकी सब तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जायद तलवार भी याद रखिए, दुबई में हुआ था, आईएनएस वाइजैक और आईएनएस त्रिकंड ने पार्ट लिया था इंडिया यूएई का। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं हम लोग वरुणा। भाई वरुणा तो भाई आसान है, आसान इसलिए क्योंकि काफी फेमस है, काफी पुराना है, इंडिया और फ्रांस का है, अरेबियन सी में नेवल है, ठीक है, ये तो याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद आसान वालों में देख लीजिए कौन से, एक्स खान क्वेस्ट, ये भी आसान है, देखिए मंगोलिया के साथ है, मल्टीनेशन करीबन 20 कंट्रीज होता है, और गढ़वाल राइफल ने राइफल्स ने इसमें पार्ट लिया था, एक्स खान क्वेस्ट मंगोलिया का, ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद युद्ध अभ्यास काफी फेमस है, यूएसए के साथ अलास्का में हुआ था युद्ध अभ्यास, वरुण, युद्ध अभ्यास और एक्स खान क्वेस्ट, ये तो आसान वाले हो गए। एक और आसान है मलाबार, मलाबार भी जानने वाली बात ही नहीं है, मलाबार किसका होता है, 4 कंट्रीज का होता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान का नेवल एक्सरसाइज है, क्वाड जिसे कहते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद तरंग शक्ति होने वाला था बाद में, मल्टीनेशनल होने वाला था, पोस्टपोन हो गया। फाल्कन शील्ड देखिए याद करने का है, ठीक है ना, फाल्कन शील्ड आपका चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में हो रहा है, चाइना और पाकिस्तान के बीच का देखा था हमने, कौन सा देखा था, सी गार्डियन, अब चाइना और सऊदी अरेबिया के याद रखिए फाल्कन शील्ड। ठीक है, ऑपरेशन सजग, ये वेस्ट कोस्ट में इंडियन कोस्ट गार्ड करवा रही है ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन रेजोल्यूट ड्रैगन ये आपका ईस्ट चाइना सी में जापान और यूएसए के बीच का है, ठीक है, रेजोल्यूट ड्रैगन, तो ये ड्रैगन का नाम सुनकर चाइना मार्क करके मत आइएगा, ये आपका जापानीज ड्रैगन है, याद करिए रेजोल्यूट ड्रैगन आपका जापान और यूएसए है, चाइना का कोई लेना देना यहाँ नहीं है, चाइना की बात करेंगे तो फाल्कन शील्ड है चाइना और सऊदी अरेबिया का, तरंग शक्ति याद रहेगा, मल्टीनेशन पोस्टपोन्ड हो गया, मालाबार एक्सपांड कर, दो बचे सुदर्शन शक्ति, सुदर्शन शक्ति केवल इंडिया की आर्मी का है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न कमांड पंजाब एंड राजस्थान आर्मी का है, ठीक है ना, साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ पंजाब एंड राजस्थान आर्मी का हो गया। फिर मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हो गया गल्फ ऑफ ओमान ने, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, आईएनएस तरकश ने पार्ट लिया था, मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज याद रखिए आपका गल्फ ऑफ ओमान में इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, आईएनएस तरकश। ठीक है, नेक्स्ट कोमोडो इंडोनेशिया का हुआ था, देखिए मल्टीनेशनल है, आईएनएस सतपुरा ने पार्ट लिया था, एयर डिफेंडर, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, जर्मनी एंड नेटो, ठीक है, कोमोडो हो गया हमारा इंडोनेशिया का, एयर डिफेंडर हो गया नॉर्थ सी, बाल्टिक सी एंड जर्मनी के बीच में, आसियान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नॉर्थ साउथ नटुना सी, ठीक है, इसमें पहले आसान वाले देखते हैं, पहले देखिए सबसे एक्वेरियन है चौबतिया, यूके में, इंडिया मालदीव वाला ये पता होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब थोड़े से अच्छा, जीमेक्स आसान है, देखिए इंडिया जापान, जे और आई, इंडिया जापान वाइजैग में है, एक्वेरियन आपका और इंडिया और मॉल्डीव्स का है पुराना वाला, ठीक है, आसियान के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया था इंडिया ने, कहाँ किया था ये इंपॉर्टेंट है, साउथ नटुना सी, इंडोनेशिया के पास ही है आपका, साउथ नटुना सी यहाँ पे हुआ था, ठीक है, कोमोडो, ठीक है ना, कोमोडो ड्रैगन कहाँ मिलते हैं, इंडोनेशिया में ज्यादा मिलते हैं, तो ये भी मल्टीनेशन हुआ था आपका, जिसमें इंडिया भी था, इंडिया की तरफ से आईएनएस सतपुरा गया था आपका पार्ट लेने, सतपुरा याद रखिए कोमोडो। उसके बाद एयर डिफेंडर हमने देख लिया, नॉर्थ नेटो का था ये, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी और जर्मनी में हुआ था ये, ठीक है ना, फिर आते हैं अग्नेयास्त्र, अग्नेयास्त्र आपका अस्त्र है ना, तो कुछ अस्त्र की टेस्टिंग वेस्टिंग हुई होगी, तो इंडियन आर्मी का जो मैकेनाइज्ड कोर है उसने टेस्ट किया था आपका ईस्ट लद्दाख में, अग्नेयास्त्र भी इंडियन आर्मी का है याद रखिए, एमपीएक्स मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज वाइजैग में हुआ था, इंडिया, फ्रांस और यूएई, ठीक है, एमपीएक्स याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है ना, हैशटैग कर दिया हमने, मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज वाइजैग में, इंडिया, फ्रांस और यूएई, सैल्वेक्स ये भी पूछ सकता है, इंडिया और यूएस का है ये, नया है ये भी, भूलने के चांसेस हैं, तो याद याद रखिएगा सैल्वेक्स, सैल्वेक्स याद रखिएगा कोची में हुआ था इंडिया और यूएसए का। देन ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ये हो गया सीशेल्स के साथ हुआ था, आईएनएस सुना है ना, सदर्न रेडीनेस इंडिया के साउथ में क्या है, सीशेल्स है, ठीक है ना, वो बाकी सब भी है, ठीक है ना, मॉरिशियस, मालदीव वगैरह सब साउथ में है, लेकिन याद करिए सदर्न रेडीनेस किसके लिए, किसके साथ था, सीशेल्स के साथ, इसको भी याद करिए, तलिस्मान सेवर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुए थे 13 कंट्रीज का, तलिस्मान सेवर कहाँ हुआ था,
ऑस्ट्रेलिया में याद रखिए। तो ये कुछ याद रखना है आपको, तीन चार जो बोल सकते हैं, एमपीएक्स याद रखिए, सेल्विक्स यूएस के साथ, डिमेक्स तो याद रहेगा, सदर्न रेडीनेस आपका सीशल्स के साथ, तलिस्मान तेवर ऑस्ट्रेलिया में, मूविंग ऑन। और देखिए अभी सबसे पहले आसान वाले देख लेते हैं जो कि बिल्कुल नहीं भूलना है, उसमें तो आपका ये नोमैडिक एलिफेंट आएगा, उलन बटोर मंगोलिया में, मंगोलिया के साथ होता है, काफी पुराना है, पता होना चाहिए सबको। अल मोहद अल हिंदी ये किसके साथ है, सऊदी अरेबिया के साथ, अल मोहद अल हिंदी, ठीक है ना, थोड़ा अरेबिक नाम साउंड हो रहा है तो सऊदी अरेबिया के साथ ही हो रहा है ये, ठीक है ना। आईएनएस तरकश, सुभद्रा और डॉर्नियर इसके पार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, ये भी याद रहेगा। अच्छा अब ये याद करिए, बहादुर और त्रिनेत्र टू, बहादुर और त्रिनेत्र टू कहाँ हुआ था, पुंछ में हुआ था दोनों, और एंटी टेरर एक्टिविटीज थे, टेररिस्ट को घुस घुस के मारा था, कौन मारती है टेररिस्ट को घुस घुस के, याद रखिए राष्ट्र राइफल्स मारती है, ठीक है, और टेररिस्ट कांपता है इससे, ये है राष्ट्रीय राइफल्स, तो इन्होंने घुस घुस के मारा था टेररिस्ट को, एंटी टेरर एक्सरसाइज था, कहाँ मारा था, पुंछ में, याद रखिए बहादुर, ठीक है, जो कि है राष्ट्रीय राइफल्स इंडियन आर्मी, और त्रिनेत्र, ठीक है, तीनों आंखें खुली हुई है शिव जी जैसे, ठीक है। तो ये बात हो गई राष्ट्रीय राइफल्स की। अजय वॉरियर, अजय वॉरियर जो है ये हुआ था आपका यूके में, सैलिसबरी प्लेन्स में हुआ था, ठीक है, आपका मतलब ज्वाइंट सारे जो मिलिट्री का हुआ था, नेवी एयरफोर्स और आर्मी सबका ज्वाइंट हुआ था इंडिया और यूके के बीच में, ठीक है, अजय वॉरियर ये बोल सकते हैं, याद करिएगा इसको। आसियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज सिंगापुर, आसियान आसियान इंडिया के साथ एक और था ना, आसियान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखा था मैंने साउथ मटुना सी में, अब ये क्या है, आसियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये आपका आसियान और इंडिया के बीच का मैरिटाइम एक्सरसाइज है, ये आपका आसियान का था, ठीक है ना, ये आपका आसियान इंडिया का था, कहाँ हुआ था, सिंगापुर में, आईएनएस सतपुरा ने पार्ट लिया था, ठीक है ना, आईएनएस सतपुरा इससे पहले भी देखा था हमने, तो आईएनएस सतपुरा याद करिए, तो आईएनएस सतपुरा यहाँ देखा हमने, कोमोडो, तो कोमोडो भी आपका इंडोनेशिया में किया था कोमोडो, इंडोनेशिया के पास में आपका अब ये आसियान भी है, तो यहाँ भी सतपुरा, तो देखिए वो वाला जो एरिया है ना सतपुरा कवर कर रही है आसियान वाला, ठीक है, कोमोडो भी किया है और आसियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज भी किया है सतपुरा, आईएनएस सतपुरा ने, और आईएनएस दिल्ली भी, ठीक है। बुलंद भारत आता है, बुलंद भारत आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, और ये किया था काउंटर, चाइना को काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज बुलंद भारत। समुद्र शक्ति इंपॉर्टेंट हो गया ये, देखिए ये बोल सकते हैं समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ है, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ है, आईएनएस कवरत्ती, समुद्र शक्ति आईएनएस कवरत्ती, ठीक है। अल मोहद अल हिंदी हो गया, ऑपरेशन जल राहत ये आपका गजराज कोर है मानस आसाम में, फ्लड रिलीफ के लिए किया है, ठीक है ना, फ्लड अगर आ जाते मानस में आसाम में तो उसके लिए आप एक ऑपरेशन है रेडी रहने के लिए, ऑपरेशन जल राहत याद रखिए मानस आसाम। सोरिंग ईगल ये आपका, सोरिंग ईगल साउथ कोरियन एयरफोर्स याद रखिए, टाइगर शार्क 40 आपका, टाइगर शार्क 40 इसमें इंडिया को लेना देना नहीं, ठीक है ना, टाइगर टाइगर कौन है, बांग्लादेश, टाइगर शार्क, टाइगर और शार्क के बीच में हो रहा है कहां पे, बीएनएस बांग्लादेश नेवल शिप, निर्वीक चिटोग्राम, ठीक है, निर्वीक चिटोग्राम में हुआ था, बीएनएस निर्वीक चिटोग्राम जगह है जहां पे हुआ था, ठीक है ना, टाइगर शार्क याद रखिए। आईएनएस मगर को डीकमीशन कर दिया गया है कोची नेवल बेस, तो ये एक और आ गया आपका न्यूज, ठीक है। तो एक्सरसाइज के बाद अब हम लोग एक एक एक्सरसाइज करके करते हैं प्रॉपर। देखिए एक्सरसाइज एक आपका अस्त्र शक्ति है, ठीक है, बिल्कुल रिसेंट का है ये एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, उसमें इंडियन एयरफोर्स था और समर एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है ना, याद रखिए एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ देखिए चार मिसाइल उड़ते हुए आ रहे हैं, तो एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, यहाँ से चार मिसाइल फायर हुए और इन चारों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ये है एयर डिफेंस सिस्टम, नाम क्या है, समर, समर एयर डिफेंस सिस्टम, कुछ चेक कहाँ किया था, कौन सा एक्सरसाइज में, याद रखिए अस्त्र शक्ति याद रखिए, ठीक है, एयरफोर्स का है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका नाइन्थ नेशनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, ठीक है, नेट पोलरेक्स, ठीक है, नेट पोलरेक्स ये नाइन्थ आपका नेट पोलरेक्स, ये क्या करेगा, कौन कर रहा है, पहली बात इंडियन कोस्ट गार्ड कर रही है, क्यों कर रही है, कहाँ कर रही है, कहाँ कर रही है का जवाब है गुजरात में कर रही है, वादी नार में कर रही है, क्यों कर रही है, तो ये 2 दिन का इवेंट है, इसमें ये मरीन पोल्यूशन रेस्पॉन्स मैकेनिज्म, मरीन पोल्यूशन अगर हो जाएगा तो उसका कैसे रेस्पॉन्स करेंगे आप, जब मरीन स्पिल्स हो गए तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप, तो इसके लिए आपका नेट पोलरेक्स आपका एक्सरसाइज हुआ था, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज को सोशल इज्जत क्यों दी जा रही है, रिसेंट वाला है ना, ज्यादा इज्जत दे रहे हैं इनको, ठीक है, वो पुराने वाले थे, थोड़े पुराने वाले तो हमने एक साथ डिस्कस कर लिए थे, ये नए वाले हैं। देखिए इसके अलावा देखिए क्या है, इंडिया का नेवल शिप है जिसका नाम है सुमेधा, ये सुमेधा दिख रहा है आपको, ये पहुंच गई है आपका कीनिया, ठीक है,
3 हजार के पोर्ट में पहुंच गई है, डिप्लॉय हो गई है। ठीक है, काफी मतलब ये लॉन्ग रेंज आपका डिप्लॉयमेंट है कीनिया के साथ। देखिए इंडिया का झंडा और कीनिया का झंडा, और ये INS सुमेधा पोर्ट लामू कीनिया में। तो विजिट इज इन कॉन्सनेंस विद द प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ सिक्योरिटी। अब क्या कर रही है, प्राइम मिनिस्टर का विजन है ना सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, जो आपके इंडियन ओशन वाले रीजन में जितने आपके आसपास जितने भी कंट्रीज आते हैं उनके सिक्योरिटी का जिम्मा इंडिया लेना चाहती है। ठीक है, और उस एरिया में इंडिया स्ट्रांग होना चाहती है और ऑब्वियसली उन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहती है। तो उसी के लिए, अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए, विजन आपका सागर को मद्देनजर रखते हुए सुमेधा पहुंचती है कीनिया। आगे बढ़ते हैं, ये भैया प्रोजेक्ट कुशा। ठीक है ना, प्रोजेक्ट कुशा भी आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है ना, अभी इससे पहले एयर डिफेंस सिस्टम हमने कौन सा देखा था, ये अस्त्र शक्ति में हमने समर देखा था एयर डिफेंस सिस्टम। एक और एयर डिफेंस सिस्टम है प्रोजेक्ट कुशा। ठीक है, इसको देसी S-400 कहते हैं लोग, देसी S-400। भाई S-400 मिसाइल लिए थे ना हमने रशिया से, वो भी क्या था, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये हमारा देसी एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। ठीक है ना, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और DRDO ने बनाया है। ऑब्वियसली एयर डिफेंस कर रही है, कोई भी इनकमिंग थ्रेट अगर आएगा तो खत्म कर देगा, तो ये हमने देखा। ठीक है, चाहे चाहे वो खतरा क्रूज मिसाइल आ रहे हो, फाइटर जेट्स आ रहे हो, ड्रोन आ रहे हो, सबको एट लॉन्ग रेंज मार गिराएगा। तो S-400 हमने लिया है, उसके साथ आपका कुशा हो गया, कुशा के साथ हमने एक और देखा समर। ये सारे आपके एयर डिफेंस सिस्टम है, याद रखिएगा एयर डिफेंस सिस्टम सब इंडिया के हैं, S-400 हमने बाहर से लिया है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अग्निवान मिसाइल। अग्निवान मिसाइल का जो टेस्ट है कर दिया गया है, क्या है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अग्निवान। कहाँ हुआ है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा में होता है। अग्निवान भाई काफी प्रिसाइज है, और ये अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स में है। मैक्सिमम रेंज है आपका कितना, मिनिमम रेंज ऑफ 700 किलोमीटर, मैक्सिमम रेंज 5,000 किलोमीटर। ठीक है ना, 5,000 किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, 700 से 5,000, तो रेंज देखिए आप। अग्निवान मिसाइल का टेस्ट हुआ है, मिसाइल अग्निवान। नेक्स्ट INS, INS संध्यक, संध्यायक। ठीक है, फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज SVL शिप है। SVL, SVL क्या होता है, सर्वे वेसल लार्ज शिप। ठीक है, ये आपका इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रेजेंस में। कहाँ किया गया, विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है ना, तो एट द नेवल डॉक एट विशाखापट्टनम, फरवरी 3, 2004। मूविंग ऑन, ये हो गया हमारा संध्यक, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। क्या है, सर्वे वेसल लार्ज। नेक्स्ट, तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, देखिए प्रचंड है ये, देखने में प्रचंड लग रहा है कि नहीं आपको, तो प्रचंड है। इसका टेस्ट किया, फायरिंग की ऐसे हवा में ले जाके, आपके 50 mm रॉकेट्स और 20 mm टरेट गन्स की फायरिंग करी। तो ये फायरिंग वगैरह कहाँ कर रहे हैं लोग, लीका बली एक जगह है आसाम में जहां ये कर रहे हैं, ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, दिन में और रात में। रात में भी चेक करना है ना कि फायरिंग कर पा रहा है कि नहीं, तो ये सब टेस्टिंग किया गया। इनॉगरल टेस्ट फायरिंग वॉज पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज पूर्वी आकाश। ठीक है, पूर्वी आकाश है, अभी क्या देखा आपने, ये क्या देखा आपने, अस्त्र शक्ति था, ये आपका पूर्वी आकाश है। एकदम याद करा दिया, याद क्यों करा देंगे आपको, है ना, पूर्वी आकाश है ये, लीकाबली आसाम में हुआ है। प्रचंड हेलीकॉप्टर याद रखिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। मूविंग ऑन, ये आपका Ilyushin 38 Sea Dragon है। नाम तो लग रहा है चाइनीज है कुछ, लेकिन नहीं, इंडियन नेवी का है। Ilyushin 38 Sea Dragon है, इसको विंड स्टैलियन बोला जाता था। हाथ क्यों लगाया मैंने, क्योंकि डीकमीशन कर दिया गया है अक्टूबर 31, 2023 में। कहाँ, INS हंसा आपका गोवा में, डाबोलिम गोवा में INS हंसा था, वहीं पे इनको डीकमीशन किया जाता है, Ilyushin 38 Sea Dragon को। ठीक है, 46 ईयर सर्विस कर चुके हैं, और 46 ईयर से चल रहा है, 55,000 आवर्स ऑफ सर्वेलेंस ओवर द सीज कर चुका है ये भारतीय नौसेना का जहाज Ilyushin 38, डीकमीशन होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये Hermes 900 Starliner ड्रोन, Hermes 900 Starliner drones। तो जो Hermes है ये आपका इज अ रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, रिमोट पायलट है, पायलट बैठा नहीं होगा, दूर से इसको कंट्रोल कर रहा होगा, तो ड्रोन हो गया ना एक तरीके से, तो ड्रोन ही है ये, देखिए अनमैन्ड है ये। तो इस ड्रोन को बनाया किसने है, MIT ने बनाया है। अरे वो US वाला नहीं, इंडिया वाला, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, चेन्नई में, तो उसने ये ड्रोन बना के दिया सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनसेंस के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। ठीक है ना, और ये सारी बातें हो गई। तो ड्रोन याद रखिए, Hermes 900 Starliner ड्रोन, सुनने में तो लग रहा है विदेशी, लेकिन है बिल्कुल देसी। आगे बढ़ते हैं, अमनी, देखिए ASW, देखो Into 8 ASW का क्या मतलब है, तो ASW का मतलब यहां लिखा है, देखिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर करने के लिए शैलो वाटरक्राफ्ट।
डीप वाटर नहीं, पानी के बिल्कुल अंदर नहीं, ऊपर ऊपर शैलो वाटर में, शैलो वाटर में ये हमारा सबमरीन तैरेगा और देखेगा कि कोई मतलब एंटी सम कोई और सबमरीन तो नहीं आ रहा, जहां दिखेगा मार गिराएगा। तो एंटी सबमरीन वॉरक्राफ्ट है, तो नाम है इसका अमीनी, अमीनी नाम है। तो टोटल ऐसे 8 बनने हैं, टोटल ऐसे 8 में बनाने का काम किसको दिया गया, जीआरएसी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, नाम तो आपने सुना ही होगा, काफी सारे शिप्स बनाती है, ठीक है, मैजगम डॉग और ये शिप्स बनाने का काम काफी हद तक इनको मिलता है, हर जगह देखने को मिलेगा आपको। तो इंडियन नेवी की ये चौथी जो है अमनी, आपका जो ASW है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है, इसको डिप्लॉय किया गया है, लॉन्च एट NVL16, 2023 एट काटुपल्ली तमिलनाडु, ठीक है, LNT के यहाँ पे मतलब लार्सन एंड टूब्रो का एक ऑफिस होगा काटुपल्ली में, पोर्ट होगा, तो वहीं पे आपका ये इसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। बनाया किसने है, आपका गार्डन रीच बिल्डर्स इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये डिजाइन टू टेक ऑन एंटी सबमरीन ऑपरेशन एट कोस्टल वाटर्स लो इंटेंसिटी मैरिटाइम, पता चल रहा है आपको ना, एंटी सबमरीन है नाम से ही, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, याद रखिए अमीनी, ठीक है। नेक्स्ट IN तर मुगली, INS तर मुगली जो थी बनाया गया था, इंडिया का शिप बनाया गया था, ट्रिंकट क्लास पेट्रोल व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल है ये, पेट्रोल करेगी ये, तो 2001 में बनाया गया था, एज INS तिलनचंग, तो तिलनचंग नाम से बनाया गया था 2001 में। फिर इसको 2006 में मॉल्डीव्स को दे दिया गया, मॉल्डीव्स को दे दिया गया, ठीक है ना। अब मॉल्डीव्स इसका यूज करती थी, उसके बाद मॉल्डीव्स यूज करती थी 2023 में इस शिप को वापस कर दिया गया, और इसका नाम अब पड़ गया तरमुगली, तरमुगली नाम से ये अब वापस आ गया है। इस न्यूज को अब इससे भी लिंक कर सकते हैं, देखिए मॉल्डीव्स गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम हो ही रहा है, वो कह रही है कि इंडिया आउट कैंपेन चला के पावर में आई है मुइजू, तो उसी के से रिलेट कर सकते हो आप, ये तार मुगली वापस आती है इंडिया के पास, वहां पे आपके कुरावी नाम से थी, ठीक है, 2006 में दिया गया था, ये सब डिस्कस कर लिया, आगे देखते हैं। तो पाकिस्तान ने टेस्ट किया मिसाइल, रॉकेट लॉन्च सिस्टम फतह 2 नाम का गाइडेड मिसाइल, बैरल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, ठीक है ना, 400 किलोमीटर टारगेट हिट कर सकती है, तो ये पाकिस्तान की फतह। आगे देखिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर, कहां पर है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, पहली बात तो ये पता होना चाहिए गांधीनगर में। तो उसने रूस्टर ड्रोन्स निकाले, रूस्टर ड्रोन दिखने में कुछ ऐसा है, फोटो में देखिए भाई ड्रोन, अभी जमीन पर ज्यादा रहता है तो इसलिए उनका नाम रख दिया रूस्टर, लेकिन क्या ये उड़ नहीं सकते, हाँ उड़ सकते हैं, देखिए तो इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रोन से जैसे होवर कर सकती है, फ्लाई कर सकती है, और ग्राउंड बेस्ड रोबोट्स, ज्यादातर समय ग्राउंड पे रहती है, जमीन पे रहती है रोबोट, ठीक है, इक्विप्ड विद कैमराज अलग लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारी बातें हो गई हैं, दे आर मोर यूजफुल देन इट्स काउंटर पार्ट फॉर स्पीड ऑन का, ठीक है ठीक है, ये सारी बातें हो गई। हमने देखा किसके बारे में, रूस्टर ड्रोन, किसने बनाया, रक्षा, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर, मूविंग ऑन। देखिए ये मैप देखिए, टर्की दिख रहा है, सीरिया दिख रहा है, इराक दिख रहा है, ईरान दिख रहा है, ठीक है ना, देखना आपको, लेकिन क्या है ये अजरबैजान, और अजरबैजान के पास आपका ये आर्मीनिया, ठीक है, ऊपर आपको जॉर्जिया भी दिख रहा है, तो इसका फोटो हमने और खींच लिया पास से, तो जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, तो अजरबैजान के बीच में ये छोटा सा एरिया है, ये भी आर्मेनिया का ही पार्ट है, इसका नाम है नागोर्नो काराबाग, तो यहाँ पे अजरबैजान ने अटैक चालू कर दिया लोगों पे, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन चालू कर दिया अगेंस्ट द आर्मेनियन पॉपुलेटेड एरियाज, तो बेसिकली हमेशा क्योंकि अजरबैजान से घिरा हुआ है, दोनों की दुश्मनी चलती है, कट्टर दुश्मनी, तो अब कुछ पोर्शन अजरबैजान का आर्मेनिया के अंदर है यहाँ पे देख रहे हैं, और कुछ आपका ये नागानो काराबाग का एरिया आर्मेनिया का एरिया है अजरबैजान के अंदर, यहाँ आर्मेनिया के लोग रहते हैं, तो टसल रहती है इनकी। तो अभी अजरबैजान ने इन पे अटैक कर दिया, बोला कि भैया ये काउंटर टेररिस्ट अटैक है, ये लोग पहले टेररिस्ट अटैक करते हैं तो ये हमने काउंटर करने के लिए किया है, तो ऐसी कुछ न्यूज आई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए महाबली, महाबली द महाबली, ये आपका द महाबली दिख रहा है, आपको छोटा छोटा लिखा हुआ है यहाँ पर, महाबली जैसा शिप है ये, क्या है 25 टन बोल्डर पुल टग, तो टग का काम करती है, टग मतलब क्या है ना कि यहां से रस्सी लेके आप किसी को पुल कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये काम है इसका पुल करने वाला, तो महाबली है। सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड गुजरात में बनाया गया, भारूच में, ठीक है ना, याद रखिए, तो महाबली क्या है, इट इज बोलार्ड पुल टग, ठीक है। फर्स्ट मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कहां पर मनाया गया है, तो ऑब्वियसली दिल्ली में मनाया गया होगा, कहां पे, मानेकशॉ सेंटर। फिर आपके आपने देखा प्रेसिडेंट मुइजो जो है मॉल्डीव वाले, उसने कहा है कि भैया इंडिया एग्री कर गया है अपने आर्मी को कंट्री से निकल जाने के लिए, ऐसा कहा मुइजू ने, ठीक
फिर बात करते हैं भैया, अक्टूबर 24 का है, पाकिस्तान सक्सेसफुली कंडक्टेड ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ गौरी वेपन सिस्टम, गौरी वेपन सिस्टम का ट्रेनिंग लॉन्च किया है, ठीक है, गौरी मिसाइल है, ठीक है, पाकिस्तान का। इंडिया इंडियन आर्मी फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल, तो इंडियन आर्मी ने बनाया पहली बार विंड टनल, कैसा, वर्टिकल विंड टनल, देखिए यहाँ पे ऐसा उड़ सकता है, ठीक है, यहाँ नीचे से हवा आएगा और आपको ऐसा फील आएगा कि जब आसमान से गिरते समय कैसा फील होता है ना, सेम फीलिंग हो आएगा आपका यहाँ भी। तो ऐसा आर्मी ने विंड टनल बनाया है, कहाँ बनाया है, बाकलो, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इनॉग्रेट किया मनोज पांडे जी ने, जनरल है हमारे आर्मी के, तो यहाँ क्या क्या पता होना चाहिए। तो पहला पूछेगा आपके विंड टनल कहाँ बना है, क्या बताओ, बकलो, हिमाचल प्रदेश में। फिर आपसे पूछेगा जनरल कौन है, पूछ सकता है ना, मनोज पांडे जनरल है हमारे, आर्मी जनरल। नेक्स्ट, आईएनएस सूरत क्या है, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट, किसने बनाया, मतलब कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बना, प्रोजेक्ट 15B, देखिए 15B प्रोजेक्ट के अंदर आईएनएस सूरत बना दिया गया है, और चार शिप बनाने की बात थी और चार शिप बना के तैयार हो गया, आईएनएस सूरत याद रखिए, प्रोजेक्ट 15B याद रखिए। फिर आते बुलावा, ठीक है ना, बुलावा, बुलावा नहीं आ रहा किसी का, ये बुलावा है हमारे रशियन आर्मी का, रशियन नेवी का, ठीक है ना, तो इसने लॉन्च किया है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ पे सबमरीन के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर देंगे ना, पानी के अंदर से निकल रहा है ये, पानी के अंदर से निकल रहा है, अंदर सबमरीन होगा, सबमरीन ऐसे फायर कर रहा है रॉकेट, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा, ठीक है ना, ये बुलावा किसी पे गिरा तो उसका बुलावा आ जाता है, ठीक है ना, याद रखिए, रशिया का बुलावा, प्रलय, इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और रेंज इसकी 350 किलोमीटर है, और पेलोड कैपेसिटी 50 से 1000 ग्राम है, देखो प्रलय मिसाइल सही है, ठीक है, छोटे रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंडिया का है ऑब्वियसली, ठीक है, रेंज छोटा देख रहे हो आप, 300 से 550, अग्नि देखा था हमने वो कितना था, 500 से लेके 5000, ये तो 350 से लेके 500, तो भाई शॉर्ट रेंज हुआ कि नहीं हुआ, प्रलय याद रखिए आप, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है, अग्नि भी सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है, ठीक है। इसके बाद यार्ड की बात करते हैं, यार्ड 12705 इम्फाल है, थर्ड प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल, फोर्थ देखा ना हमने, फोर्थ क्या देखा, ये आईएनएस सूरत, प्रोजेक्ट 15B याद रखिए, इसका जो फोर्थ कौन क्या था, सूरत, ठीक है, इसका थर्ड भी आ गया था उससे पहले इम्फाल, ठीक है, सूरत इम्फाल, दो सिटीज के नाम याद रखिए, सूरत लेटेस्ट वाला, इम्फाल लेटेस्ट, इससे पहले और दो थे, सर्च करिए भाई कौन सा है, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट 15B की बात करें, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, बिल्ट एट मैजगॉन्ग डॉक लिमिटेड, ये देखिए नाम आपको बहुत दिखेगा, मैजगॉन्ग डॉक लिमिटेड, सारे शिप में बेसिकली ये मैजगॉन्ग डॉक बनाता है या तो जीआरएससी बनाता है, ठीक है। अच्छा, सूरत इम्फाल देख लिया, प्रोजेक्ट 15 भी याद रखिए आगे। अच्छा, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो पूछेगा कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था भाई, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो बेंगलुरु में हुआ था। अच्छा, आयरन बीम एक डिफेंस सिस्टम है, किसका, इसराइल का, किसने बनाया था, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ईस्ट टेक 2023, देखिए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो आपका कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में, ईस्ट टेक 2023 फर्स्ट एवर मेगा इवेंट शोकेसिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन डिफेंस सेक्टर, ये गुवाहाटी में हुआ था, ईस्ट टेक कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में, ठीक है, बात समझ में आया। फिर आपका सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग विभव एंटी टैंक माइंस, विभव, विभव क्या है, एंटी टैंक माइंस, ऐसा जमीन में बिछा दीजिए आप, इसके ऊपर अगर टैंक चलते हुए बड़ा सा भारी सा टैंक चलते हुए आएगा और इसके ऊपर पैर रखेगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, तो एंटी माइन टैंक है, आप खड़े हो जाइए इसका तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, टैंक के लिए बनाइए, तो 600 सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग विभव एंटी टैंक माइंस बनाया गया है, किसने बनाया है, तो डीआरडीओ बनाती है ये आर्मी के लिए, याद रखिए विभव, विभव क्या है, एंटी टैंक माइंस, मूविंग ऑन, ठीक है। इंडियन आर्मी और बीएसएनएल, इंडियन आर्मी और बीएसएनएल ने इंस्टॉल किया आपका मोबाइल टावर कहाँ पे, सियाचिन, अब बढ़िया सियाचिन ग्लेशियर में जाके अभी फोन पे बात कर सकते हो आप, सोचिए सियाचिन ग्लेशियर इतने ऊपर पे कहाँ फोन का नेटवर्क आएगा, तो वहां लेकिन नेटवर्क स्थापित करने के लिए भाई बीएसएनएल और इंडियन आर्मी ने मिलकर लगाया टावर, मोबाइल टावर, ठीक है, बीएसएनएल का। अच्छा, अग्निवीर स्कीम के बारे में पता है, तो ये एक सबसे पहले शहीद कौन होते हैं, अग्निवीर, फर्स्ट अग्निवीर टू डाई इन लाइन ऑफ ड्यूटी, तो ये होते हैं शहीद हमारे गवाते अक्षय लक्ष्मण, इनका आप पिक्चर देख सकते हैं, ये गवाते लक्ष्मण जी हैं जिन्होंने जो शहीद हुए हैं देश के लिए, सबसे पहले अग्निवीर बनते हैं शहीद होने वाले, ये हैं गवाते अक्षय लक्ष्मण, ठीक है। फिर आता है डीआरडीओ का ओशनिक रिसर्च आईएनएस सागर ध्वनि, ये आईएनएस सागर ध्वनि है, एम्बार्क ऑन सागर मैत्री मिशन, ठीक
है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन ओशन ड्रीम कंट्रीज, ठीक है, ये सारी बातें होगी। स्वागत धोनी देखिए, स्वागत धोनी भी गया है क्या आपका? वही सागर धोनी है ना, तो सागर मिशन कंप्लीट करने के लिए गया है, सागर मैत्री करने के लिए गया है, चौथा मिशन है ये आपका स्वागत धोनी, याद रखिए। सागर मैत्री क्या है भाई, इंडियन ओशन के आसपास कंट्रीज से बढ़िया रिलेशन बना कर गया, ठीक है, तो पार्टनरशिप विद इंडियन ओशन ड्रीम कंट्रीज इन ओशन रिसर्च डेवलपमेंट, तो ये अच्छा तो बनाइए, रिसर्च ओशन रिसर्च के ऊपर इस पे काम होगा, ठीक है ना, ओशन रिसर्च होगा इस पे, ठीक है। नेक्स्ट हाइकुन, ये हाइकुन दिख रहा है आपको, झंडे से पता चल ही गया होगा, ये आपका ताइवान का झंडा है, तो ये आपका सबमरीन है हाइकुन, ठीक है, डीजल सबमरीन बनाया गया है किसके द्वारा, ताइवान के द्वारा। अच्छा, सीआरपीएफ ने ऑर्गेनाइज किया एक बाइक कैंपेन, ऐसे सब लोग बाइक से जाएंगे, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आपका यशस्विनी बाइक कैंपेन, किसके किसके द्वारा, सीआरपीएफ। सवाल आपका पूछेगा अभी यशस्विनी कौन करा रहा है, सीआरपीएफ करा रहा है, क्यों करा रहा है भाई, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करा रहा है, याद रखिए, आगे बढ़ता है। फिर आता है आपका ये डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी, ये करेगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, पहला है, ठीक है ना, सबसे पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट करना क्या, अरे आप डाइविंग वाइविंग जो एक्सपीडिशन करते हैं वो इस शिप के ऊपर होगा, मतलब ये शिप स्पेशली फॉर डाइविंग एक्सपीडिशन का किया जाएगा, डाइविंग ऑपरेशन, ठीक है, डाइव मतलब डाइव मार के समंदर के अंदर आप कुछ कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बनाया किसने, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने बनाया, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने बनाया, कोलकाता में ही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखिए आईएनएस नेवी का महेंद्रगिरी आया है, ये देखो आईएनएस सूरत, सूरत हमने देखा था ना, वो क्या था, प्रोजेक्ट 15B शहरों के नाम पे, इम्फाल सूरत, अब ये हिमालय आपके पर्वतों के नाम पर जो है वो क्या है, प्रोजेक्ट 17A, तो उसका लेटेस्ट आ गया महेंद्रगिरी, ठीक है, सेवेंथ एंड द फाइनल। सात कौन से हैं, आईएनएस नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी, महेंद्रगिरी, जहां ये आप देखेंगे कोई गिरी लगा हुआ है, इन पहाड़ों के नाम पे है, तो याद रखिए प्रोजेक्ट 17 के अंदर बना हुआ है, ये क्या है, ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ठीक है, तो सातवां बनके तैयार हो गया आईएनएस महेंद्रगिरी, बनाया किसने, तो ये दोनों ने बनाया, आपका एमडीएल ने बनाया, मैजरोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इन दोनों ने मिलके ये 17 ने बनाया है, ठीक है, तो उसका लेटेस्ट महेंद्रगिरी आ चुका है, प्रोजेक्ट 17 ने देख लिया, 15 भी देख लिया हमने, ठीक है, तो क्या बना, देखिए याद रखिए आपका स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट 17A है, और वो क्या, वो था सेल्फ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, वो आपका 15B है, ठीक है, इम्फाल सूरत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपका क्रेटॉस QX-58 वेलकायरी, क्या है ये क्या है, देखने से क्या लगता है, ये आपका अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, इसके अंदर कोई बैठा हुआ क्या, नहीं, अनमैंड लिखा है ना, कोई नहीं बैठा, बाहर दूर दूर से इसको कोई ऑपरेट कर रहा है, इट इज एन अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, किसने बनाया, तो भाई क्रेटोस डिफेंस एंड सिक्योरिटी सोल्यूशंस ने बनाया, यूनाइटेड एयरफोर्स का, यूनाइटेड एयरफोर्स के लिए क्रेटोस नाम की कंपनी है, उसने बनाया वेलकायरी, तो वेलकायरी किसका है, यूएस एयरफोर्स का है, किसने बनाया, क्रेटोस नाम की कंपनी ने बनाया, क्या है, अनमैंड कॉम्बैट व्हीकल। नेक्स्ट, तो अनमैंड व्हीकल्स की बात चली रही है, तो इंडिया क्यों फीचर है, इंडिया का सबसे पहला अनमैंड एरियल सिस्टम्स कॉमन टेस्टिंग सेंटर बनाया गया, मतलब अनमैंड व्हीकल्स जो हैं जितने भी हैं ड्रोन्स हैं उनका टेस्टिंग सेंटर कहां पर है, याद रखिए श्री पेरम्बदूर, कहां है टेस्टिंग सेंटर अनमैंड व्हीकल्स का, श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं ओरॉन, ठीक है ना, ओरॉन इज अ स्पाई प्लेन, ये देखिए स्पाई करेगा, स्पाई प्लेन है ये, स्पाई प्लेन है, इंटेलिजेंस गैदर करेगा, किसका, इसराइल का, डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा बनाया गया, ये है डेवलप्ड बाय इसराइल डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया ओरॉन स्पाई आपका प्लेन, ठीक है। फिर मुहाजर 10, मुहाजर 10 आपका यही है अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल, ड्रोन है, किसका है, ईरानियन आपका जो ईरानियन एयरफोर्स का है ये, ठीक है ना, मुहाजर 10। आगे बढ़ते हैं, सारी ड्रोन की बात देखिए कर लिया ना, कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नॉर्थ कोरिया का ये सबमरीन है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ये नॉर्थ कोरिया का है सबमरीन, नाम क्या है इसका, हीरो किम कुन, ओके, अभी हमने पढ़ा था सबमरीन किसका, ताइवान का, क्या नाम देखिए क्या था, आई कुन, आई कुन किसका है, सबमरीन डीजल सबमरीन, ठीक है, ये आपका ताइवान का है, वो था क्या, हाई कुन ताइवान वाला, ये क्या है, ये किम कुन, वो हाई कुन किम कुन, तो हीरो किम कुन, ओके, ये आपका बनता है नॉर्थ कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, डीजल पावर्ड है ये भी, न्यूक्लियर आर्म हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इंडियन नेवी ने टेस्ट किया क्या, सार्क सर्च एंड रेस्क्यू किट, इस प्रकार का सर्च एंड रेस्क्यू किट होगा फ्रॉम बोइंग P-81 लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, तो ये एक सर्च रेस्क्यू किट है, आप देख सकते हैं फोटो में,
ऐसा किट होगा सर्च और रेस्क्यू के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्क के बारे में देख लिया हमने, फिर देखिए मिनिटमैन थ्री। मिनिटमैन थ्री एक आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मिनिटमैन थ्री। तो ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका रेंज देखिए, इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑपरेशनल मिसाइल इन द यूनाइटेड स्टेट विद द रेंज ऑफ 13,000 किलोमीटर। हमारा अग्नि का कितना है, हमने देखा था ना, 5,000 किलोमीटर के आसपास था, अभी देखा था हमने, इसका है 13,000 किलोमीटर। 13,000 किलोमीटर के रेंज वाला मिनिटमैन थ्री इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट बात करते हैं, 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2023। तो ये 9th मिलिट्री टेक्निकल फोरम कहाँ हुआ था, आर्मी 2023 में, कहाँ, मॉस्को में हुआ था। कौन पार्ट लिया था भाई, रशिया, चाइना, ईरान और इंडिया। ठीक है, तो चार कंट्रीज का मिलिट्री टेक्निकल फोरम। आगे बढ़ते हैं भाई, तो अभी बात करते हैं हम लोग P-7 हेवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम। ये देखिए पैराशूट सिस्टम है, बाहरी सा बक्सा जो है, ये इससे पैराशूट से ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो फॉर द IL-76 एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट से कोई सामान गिराना हो हमें जमीन पे, तो ये पैराशूटों के साथ गिरा दीजिए, अपना आराम से पहुंचेगा, पैराशूट नहीं होंगे धड़ाम से टूट जाएगा। ठीक है, तो P-7 हेवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम इज डेवलप्ड, किसके द्वारा डेवलप किया गया, DRDO के द्वारा, फुल्ली इंडिया में बना हुआ है। ठीक है, किसने बनाया है, L&T ने बनाया है, एंड द पैराशूट मैन्युफैक्चर्ड बाई ऑर्डनेंस फैक्ट्री। एक पैराशूट फैक्ट्री, ऑर्डनेंस फैक्ट्री और L&T, इन्होंने मिलकर ये पैराशूट बनाया है, आपका हेवी ड्रॉप P-7 पैराशूट। मूविंग ऑन, अब देखिए एंटी टैंक गाइडल मिसाइल, जो अग्नि जो आपके मिसाइल्स हैं, ये सरफेस टू सरफेस है, एक सरफेस से यहां निकलते हैं, सरफेस से गिरते हैं। ठीक है ना, अब नाक क्या है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मतलब सरफेस में ये मिसाइल लगे होंगे, मान लीजिए ऐसा प्लेन जा रहा है, इसने नाक में फायर किया, प्लेन गिरा दिया। ठीक है, तो ये आपका सरफेस टू एयर क्या है, नाग, अग्नि क्या है, सरफेस टू सरफेस। अब देखिए हेलेना, हेलेना है आपका ये, इसको एयर टू सरफेस मिसाइल है ये, मतलब आप ऐसे हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, देखिए हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, नीचे आपको ये दिखा, इसने ऐसा मिसाइल फायर कर गिरा दिया, तो क्या हुआ, एयर टू सरफेस हो गया। तो एयर टू सरफेस मिसाइल है आपका हेलिना। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया, ये हवा का नाग है, समझ लीजिए, ये सरफेस टू एयर है ना, एयर टू सरफेस मतलब हवा का नाग आपका क्या है, हेलिना, याद रखिए। इट इज ऑल्सो, ये भी बोला भी जाता है, ऑल्सो नोन एज हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग सिस्टम, हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग सिस्टम, मतलब हेलीकॉप्टर में इसी नाग को फिट कर दीजिए आप, तो आपका हेलिना बन जाएगा और ये आपका एयर टू सरफेस बन जाएगा। ठीक है, एयरफोर्स वर्जन ऑफ द हेलिना मिसाइल इज कॉल्ड एज ध्रुवास्त्र, एयरफोर्स वर्जन ऑफ द हेलिना मिसाइल इज कॉल्ड ध्रुवास्त्र, ध्रुवास्त्र भी बोलते हैं, एयरफोर्स के पास जो है उसको ध्रुवास्त्र भी बोलते हैं। देखिए मरकावा Mark 5, इसका दूसरा नाम है बराक, ये टैंक देख रहा हूँ ना, बराक टैंक है, किसका है ये इसराइल का है। ठीक है, इसमें AI लगा है, AI केपेबल है। ठीक है ना, ये टैंक में AI फिटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके पास है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस के पास है। तो ये फिफ्थ जनरेशन टैंक, बैटल टैंक है, फिफ्थ जनरेशन AI का इस्तेमाल कर रहा है ये। ठीक है, फिर आते हैं भारत ड्रोन शक्ति 2023 में, ये एक एग्जीबिशन है, तो ये एग्जीबिशन को देखिए रक्षा मंत्री जी देखने आए यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पे, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में देखने आते हैं ये जो आपका ड्रोन शक्ति जो एग्जीबिशन है, ये आपका हिंडन एयरपोर्ट में है। तो फर्स्ट C-2-75 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये यहाँ पे आपका C-25 को इंडक्ट किया गया, पहले C-25 को। ठीक है ना, तो ये C-25 के बारे में पता है हमको, पता, एयरबस बना रही है ये, एयरबस स्पेन बना रही है। ठीक है ना, पहले 16 स्पेन में बनाएगी और आपका 17th जो है, 17 के मतलब 16 के बाद जितने भी है आपका इंडिया में बनाएगी। तो ये बात पता चल गई आपको C-295 के बारे में। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021, स्टेडफास्ट डिफेंडर है भाई साहब, स्टेडफास्ट कहा है, नेटो लेड मिलिट्री एक्सरसाइज जर्मनी, नेटो के द्वारा लीड किया गया है स्टेडफास्ट डिफेंडर, कहाँ हुआ है, ये जर्मनी में हुआ है। ठीक है, जर्मनी में हिस्सा ले रहा है, पोलैंड ले रहा है, स्वीडन को भी इन्वॉल्व था इसमें, और बाल्टिक कंट्रीज आपके एस्टोनिया, लाटविया, लुथीनिया, ये भी इस एक्सरसाइज का पार्ट होता है। स्टेडफास्ट डिफेंडर याद रखिए नेटो का है। फिर बात करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड इन द इन नायोमा विलेज, लद्दाख में एक विलेज है, लद्दाख में विलेज है नायोमा, नायोमा विलेज में देखिए ऐसा एयरफील्ड बना दिया है। ठीक है ना, काफी हाइट पे है ये, कितना ही हाइट है, 13,700 फीट के हाइट पे है ये, उस हाइट पे आपने एयर स्ट्रिप बनाया। ठीक है, आपका नायोमा विलेज लद्दाख में, तो इसका इनॉग्रेशन राजनाथ सिंह जी ने किया है। नायमा विलेज इज लोकेटेड क्लोज टू द साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो, पैंगोंग सो के पास है ये। ठीक है, इज अराउंड 46 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 46 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो अगर कोई चाइना बदतमीजी करता है तो आप सीधा उतार दीजिए, एयरपोर्ट उतार दीजिए इतने हाइट पे,
एयरफोर्स को लैंड करने के लिए एक जगह दे दी इन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए। आपको ये समझ में आया? नायोमी विलेज लद्दाख। नेक्स्ट INS विंध्यगिरी, ठीक है, ये देखिए प्रोजेक्ट 17A वाले विंध्यगिरी है ना, आपने जहां देखा विंध्यगिरी तुरंत दिमाग में आना चाहिए, गिरी लगा है मतलब 17A की बात कर रहा है, ठीक है ना। स्टेल्थ फ्रिगेट है हमारा, ठीक है। द शिप विल बी रीच एट PSU गार्डन, दी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के पे पहुंचेगा, ठीक है ना। हुगली नदी को इन कोलकाता कोलकाता में पहुंचेगा, ठीक है। तो कोलकाता में ये पहुंच रहा है आपका छठा। सातवां दिन देख लिया महेंद्रगिरी, वो भी आ गया है, तो पीछे का न्यूज है ना, तो ये छठा था, ठीक है। INS आपका कुलिश इज अ गाइडेड मिसाइल कॉर्बेट दैट विजिटेड सिंगापुर। एक्चुअली सिंगापुर का क्या हो रहा था, बर्थडे मन रहा था, बर्थडे इन द सेंस इंडिपेंडेंस डे मन रहा था, 77th इंडिपेंडेंस डे मन रहा था। तो इंडिया की तरफ से INS कुलिश पहुंचता है वहां पे सिंगापुर में, और पार्टिसिपेट करता है उनके इंडिपेंडेंस डे, सिंगापुर के इंडिपेंडेंस डे में पार्टिसिपेट करता है क्या INS कुलिश, ठीक है ना। तो ये होता है नेवल के बीच में, जैसे हम लोग एक दूसरे को बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करते हैं ना, तो ये समझ लीजिए सिंगापुर की बर्थडे पार्टी थी और इंडिया की तरफ से पहुंचा था INS कुलिश उनको हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नीराक्षी। नीराक्षी, नीर मतलब पानी, अक्षी मतलब आंख, तो क्या हो गया ये, इंडिया फर्स्ट ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। नीर अंडर वाटर, पानी के अंदर जाएगा और नीर के अंदर आंखें हैं, देखेगा ना, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, तो GRSE लिमिटेड ने बनाया है, एंड एडवांस्ड एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नीराक्षी मीनिंग आईज इन द वाटर, पता ही चल रहा है आपको, आईज इन द वाटर है ये। नीराक्षी देख लिया आपने, ठीक है। ये भी आपने किसने बनाया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अब बात करते हैं प्रबल, ये लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, नॉर्मल रिवॉल्वर से ज्यादा रेंज का है, ठीक है ना। नाम इसका प्रबल है, लॉन्च किसने किया था इसने, AWEIL, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड। स्टेट ओन्ड कंपनी कहां पे है, कहीं और नहीं, बैंगलोर नहीं, मुंबई नहीं, ठीक है, ये कहां, कानपुर, कानपुर में बना है ये आपका रिवॉल्वर प्रबल, ठीक है। किसके द्वारा बना है, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड। उसके बाद ये देखिए रेडार है, देखिए यहाँ रेडार देख रहे हैं आप, ये रेडार जो है इसका नाम है स्वाति माउंटेन वेपन लोकेटिंग रेडार, ठीक है, DRDO के द्वारा बनाया गया है, और भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेंगलुरु, DRDO और BEL के द्वारा बनाया गया रेडार, नाम है इसका स्वाति माउंटेन। आगे बढ़ते हैं। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स, ये आपका इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुए हैं, हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स, देखिए ये ड्रोन्स, ठीक है। ये देखिए हिरॉन मार्क 2 ट्रेन, ड्रोन्स कह रहा हूँ, ट्रेन बोल दिया, ठीक है, ड्रोन्स, हिरॉन मार्क 2 ड्रोन्स, क्या है ये मेल है, मेल, मेल क्या होता है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मीडियम ऑल्टीट्यूड में चलेगा लेकिन एंड्योरेंस होगी जबरदस्त, 36 घंटे तक उड़ा दो एक बार, ठीक है। क्या ये इसमें कोई प्लेन में कोई बैठा है, नहीं, ये ड्रोन है भाई, ड्रोन, ड्रोन मतलब प्लेन में नहीं कोई बैठा है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, UAV, UAV है ये, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हिरॉन मार्क 2 ड्रोन्स, तो ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो भैया 36, इसको बैटरी में चार्ज करो, 36 घंटे उड़ाओ, इंडिया चाइना पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर को एक साथ नाप देगा ये, ठीक है, सर्विलेंस कर देगा, और अगर इसको और बलवान बनाना है तो इसमें मिसाइल लगा दीजिए आप, लॉन्ग रेंज मिसाइल, ये अपना मिसाइल लगा दीजिए यहाँ पे, अभी तो नहीं लगा है, लगा दीजिए मिसाइल, फायर कर सकता है, मिसाइल फायर कर सकता है चाहे तो, ये हीरोन है, ठीक है ना, हीरो है एकदम, ठीक है ना, हिरॉन मार्क 2 ड्रोन्स। आगे बढ़ते हैं, अस्त्र के बारे में बात करते हैं, अस्त्र, ए फॉर अस्त्र, ए फॉर एयर टू एयर, देखिए अस्त्र एयर से एयर मार करेगा, यहां से मान लो एक प्लेन जा रहा है उठते हुए, एक प्लेन सामने से आ रहा है दुश्मन का, ये अस्त्र मार देगा इसको, एयर टू एयर मिसाइल है ये, एयर टू एयर मिसाइल है, कैन एंगेज टारगेट एट डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स टू 340 किलोमीटर, 500 मीटर से लेकर 340 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी, इट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM, बनाया किसने, DRDO ने बनाया, अस्त्र याद रखिए एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद SVL एक और आता है, सर्वे वेसल लार्ज, हमने SVL के बारे में पढ़ा था इससे पहले, ठीक है ना, तो अभी नया SVL, नया इन द सेंस कि ये पुराना न्यूज है, तो संशोधक पहले आया था, ठीक है। उसके बाद कौन सा SVL आया था याद करिए, ये अभी पढ़ा था हमने ना, सर्वे वेसल लार्ज, इसका ना क्या नाम था, संधयक, अब क्या पढ़ेंगे, संशोधक, ठीक है ना, याद रखिए नाम, नाम याद रखना है हम लोगों को, कि इसका नाम क्या है, संधयक, संधयक है ये, अभी कौन सा है, संशोधक, ये देखिए संशोधक है ये, संशोधक, संशोधक और संधयक, संधयक रिसेंट वाला है, संशोधक पुराना वाला है, दोनों ही क्या है, SVL, सर्वे वेसल लार्ज, ठीक है। किसने बनाया, LNT और GRSE ने मिलकर बनाया है,
नेम संशोधक मीन्स रिसर्चर, ठीक है, तो बताइए हमें, हिंदी भाषी हम लोग। आगे बढ़ते हैं, तो आई एन त्रिशूल, ठीक है ना, त्रिशूल पहुंचा है कहाँ, डरबन पहुंचा है, डरबन। गुडविल विजिट है इनका, गुडविल विजिट टूर है, डरबन पहुंचा है, सारे रिलेशनशिप बढ़िया कर रहे हैं सागर, सागर से, सागर हमारा विजन प्रधानमंत्री का है, ठीक है। तो 3 दिन का गुडविल टूर है, आई एन त्रिशूल डरबन पहुंचता है। फिर इंडियन एयरफोर्स अब कह रही है कि MiG-21 नहीं उड़ाएंगे, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल बंद कर देंगे 2025 तक, मिग उड़ाना बंद कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि कई बार मिग क्रैश हो जाता है, मिग में फॉल्ट आ जाता है, तो मिग बंद, उसकी जगह क्या आएगा आपका, LCA Mark 1, ठीक है। अच्छा, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स में देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में तो आपका मतलब अबाउट 100,000 करोड़ पहुंच चुका है, मतलब बिल्कुल ज्यादा, और अभी लेकिन एक्सपोर्ट कर रहा है 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट पहुंच चुका है, ठीक है ना, 23 गुना इंक्रीज है। देखिए जब मोदी जी के आने से पहले आपका 2013-14 में जब आए थे, वो कितना था, 1,000 करोड़ भी नहीं था, 686 करोड़ था, अभी खो गया है 16,000 करोड़, याद रखिए। अच्छा, इंडियन नेवी आपका मेजर ऑपरेशन करती है अरेबियन सी में, नाम क्या है, ऑपरेशन कैरिट वॉज अ कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशन, कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशन करती है अरेबियन सी में इंडियन नेवी। एक्साइज रणविजय, इंडियन एयरफोर्स का एक्साइज था कहां पे, प्रयागराज में, प्रयागराज में था एक्साइज रणविजय इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है। अच्छा, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया किसको, सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव इन कोची टू एनहेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन इंडियन नेवी पर्सनल। ये सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें प्रॉपर आपके शिप नहीं होगा, शिप जैसा कुछ एनवायरमेंट बनाएंगे, ठीक है ना, और उस सिमुलेटर एनवायरमेंट को एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जहां मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इंडियन नेवी के लोगों की ट्रेनिंग करवा सकते हो वहां पर, एक्चुअल शिप में भेजने से पहले आप ध्रुव में कराइए इनकी ट्रेनिंग, तो सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स बनाया, ध्रुव कहाँ बनाया, कोची में, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, होता है ये, अप्रूव करता है कि क्या खरीदना है दूसरे कंट्रीज से, तो प्रीडेटर ड्रोन खरीदा गया है 3.1 बिलियन खर्चा करके, 3.5 बिलियन डॉलर खर्चा करके 31 आपके प्रीडेटर ड्रोन्स लिए जाएंगे, ये देखिए प्रीडेटर ड्रोन्स, तो यूएस ने बोल दिया हाँ भाई ले लो, तो खरीद लिया हम लोगों ने। तो एक्चुअली बेसिकली आपका गार्जियन ड्रोन्स इंडिया के पास पहले था, ठीक है, सी गार्जियन ड्रोन्स, हालांकि ये अनआर्म्ड था, अभी एन अनआर्म्ड वर्जन ऑफ डेडली प्रिडेटर, प्रिडेटर सीरीज का अनआर्म्ड वर्जन आपका गार्डियन है, गार्डियन ड्रोन्स मतलब अनआर्म्ड है, आर्म कर दिया तो प्रिडेटर ड्रोन्स बन जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रिडेटर ड्रोन्स आपका खरीदा गया है बाई इंडिया, ठीक है, पहले इसके पास केवल गार्जियन ड्रोन्स था। नेक्स्ट हम लोग खैबर शेखान, खैबर शेखान, खैबर शेखान क्या है, सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, किसका, ईरान का, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है ईरान के, तो ये आपके उन्होंने मिसाइल बनाया है, ठीक है ना, ठीक है, उनका एरोस्पेस फोर्स ने ये मिसाइल बनाया है, नाम क्या है, खैबर शेखान, ठीक है। MiG-29 फाइटर को INS विक्रांत पे रात में उतारा गया, देखिए रात का समय है, रात के समय ऐसे प्लेन उड़ती नहीं है, लेकिन रात के समय पे MiG-28K को उतारा गया है फर्स्ट टाइम, और INS विक्रांत, तो भैया प्लेन रात में भी उड़ा करेंगी, ठीक है, तो उसका टेस्टिंग किया गया पहली बार MiG-28K के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंडिया ने किरपान गिफ्ट किया, ठीक है, INS किरपान, INS किरपान मालदीव को दिया, मालदीव कह रहा हूँ, मालदीव को क्यों देगी भाई, मालदीव ले ही नहीं रहा कुछ, वापस कर दे रहा है, सॉरी वियतनाम को दे रहा है, ठीक है, वियतनाम को इंडिया ने INS किरपान दिया। उसके बाद वरुणास्त्र की बात करते हैं, वरुणास्त्र ये देखिए टॉर्पीडो है, ये देखिए टॉर्पीडो निकल रहा है, ये है, इट इज अ शिप लॉन्च हेवी वेट टॉर्पीडो, हेवी वेट टॉर्पीडो है INS वरुणास्त्र, टॉर्पीडो है हेवी वेट, इंडियन नेवी का अग्निमान मिसाइल, ये आपका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सरफेस टू सरफेस मार करती है, अग्नि सारे सरफेस टू सरफेस है, अस्त्र सारे एयर टू एयर है, ठीक है, नाग हमने देखा क्या सरफेस टू एयर है, एलिना हमने देखा एयर टू सरफेस है, तो ये सब याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, DRDO ने बनाया है, DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड आपका अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, अब जून तक पहुंच गया, देखिए 7 जून की बात है। अच्छा आगे देखते हैं, इससे पुराना और खबर देखते हैं, इंडस एक्स, इंडस एक्स बेसिकली क्या, इंडिया और यूएसए का आपका डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के से अलायंस हुआ है, ठीक है ना, तो इंडिया और यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम बनाया है इन्होंने, जिसमें इंडिया और यूएस मिलकर सब डिफेंस के सब सामान बनाएगी, कोऑपरेट करेगी आपस में, तो वो है इंडस एक्स, इंडिया यूएसए डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस दैट एम्स टू एक्सपैंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, एक प्रकार का पार्टनरशिप है इसका, इंडिया और यूएसए का डिफेंस पार्टनरशिप। अंजादीप, अंजादीप आ गया है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, शैलो वाटरक्राफ्ट, ठीक है ना, ASW, SWC, ठीक है, अंजादीप,
अब याद करिए आप, अंजादीप हमने देखा ना ASW, इससे पहले हमने न्यूज एक और पढ़ी थी, आज ही के दिन पढ़ी है। अंजादीप के अलावा कौन सा था? एंटी सबमरीन ASW, SW से याद करिए, अंजादीप के अलावा कौन सा है? पॉज करके सोचने की कोशिश करिए। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, आपका शैलो वाटर क्राफ्ट SWC, तो ये अंजादीप लॉन्च हुआ था, आपका GRSE ने बनाया इंडियन नेवी के लिए। इसके अलावा कौन सा अभी डिस्कस किए हम लोग, याद कीजिए। देखिए ये अमीनी पढ़ा था हमने, अमीनी, ये भी तो ASW था आपका, ठीक है ना, GRSE ने बनाया था। तो अमीनी भी पढ़ा हमने यहाँ पे, अमीनी देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, दिस इज अमीनी, अमीनी पढ़ा, दिस इज ऑल्सो ASW। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अंजादीप। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा आखिरी न्यूज है आपका डिफेंस का, दैट इज आर्टिक चैलेंज एक्सरसाइज, ठीक है, रशियन बॉर्डर पे किया गया है नेटो के द्वारा, नेटो ने आर्टिक चैलेंज करा है, ठीक है ना, आर्टिक चैलेंज एक्सरसाइज करा है इन रशियन बॉर्डर इन फिनलैंड। तो ये हमारा डिफेंस यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑबिचुरीज की, ऑबिचुरीज मतलब किनका देहांत हुआ रिसेंटली, ठीक है, उनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो रिसेंट में देखिए आप, ये आपके हसन बिटमेज है, टर्की के पॉलिटिशियन है, ये देखिए यहाँ पे लोग भाषण दे रहे थे, ये इसराइल को क्रिटिसाइज करते हुए भाषण दे रहे थे, टर्की के हैं, टर्की के आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलते हैं मेंबर ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली, तो फेलिसिटी पार्टी से बिलोंग करते थे ये हसन बिटमेज, तो इसराइल को क्रिटिसाइज कर रहे थे और स्पीच देते देते अचानक कोलैप्स कर जाते हैं और हार्ट अटैक से इनका देहांत हो जाता है, ये हसन बिटमेज। नेक्स्ट ये है नवफ अल अहमद अल जावेर, नवफ अल अहमद अल जावेर, ये कुवैत के हैं, अमीर, अमीर ऑफ कुवैत, तो 2020 से लेकर 2023 तक ये अमीर ऑफ कुवैत होते हैं और अब इनकी डेथ हो जाती है, नवफ अल अहमद अल जावेर। नेक्स्ट देखिए वी मोहनगिरी, तो वी मोहनगिरी एक्चुअली तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो वुमेन रिलेटेड है, वुमेन चाइल्ड रिलेटेड है, जैसे कि गिल्ड ऑफ सर्विस, ये भी न्यू दिल्ली का एक आपका सर्विस वर्कर है, ये सोशल वर्कर है, सोशल वर्क का ऑर्गेनाइजेशन है, 79 में बनाते हैं। उसके बाद वॉर विडोज एसोसिएशन 72 में बना हुआ है, सब न्यू दिल्ली के ही है, और 95 से लेकर 98 तक ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रह चुकी है वी मोहनगिरी, तो फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वी मोहन गिरी जी का देहांत हुआ है रिसेंटली, और इनको 2007 में पद्म भूषण मिला था, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमें ये बात तो पता ही है, 2007 में इनको पद्म भूषण मिल चुका है वी मोहन गिरी जी को। नेक्स्ट बिजेंद्र नाथ गोस्वामी, बिजेंद्र नाथ गोस्वामी एक हिस्टोरियन है और आर्ट क्रिटिक भी है, ठीक है, तो आर्ट के बारे में काफी ज्यादा जानकारी इनको है, खासकर पहाड़ी पेंटिंग्स है और इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स, इन्होंने कुछ किताबें लिखी हुई है जैसे कि शक्ति बर्मन अ प्राइवेट यूनिवर्स, तो शक्ति बर्मन एक पेंटर थे, उनके पेंटिंग्स के बारे में कुछ बात लिखी है इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा मास्टर्स ऑफ इंडियन पेंटिंग लिखी है, मास्टर्स ऑफ इंडियन पेंटिंग 1100 से 1900, ये आपका किताब है ऑन इंडियन मिनिएचर आर्ट, ये भी इन्होंने लिखा है। पद्मश्री मिलता है इनको 1998 में, या पद्म भूषण इनको मिलता है 2008 में, पद्मश्री मिलता है, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, थर्ड हाईएस्ट आपका पद्म भूषण, ये इनको 2008 में मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य, पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य आपके गवर्नर रह चुके हैं, पॉलिटिशियन हैं, गवर्नर रह चुके हैं ये मणिपुर के, नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के और त्रिपुरा के, ठीक है, तो ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, इनके गवर्नर रह चुके हैं आपके पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य, इनका रिसेंटली देहांत हुआ। फिर बात करते हैं सलीम उल हक, तो ये क्लाइमेट पे का काम किया इन्होंने, ठीक है ना, ये एक्चुअली बांग्लादेशी ऑरिजिन के हैं और ब्रिटिश साइंटिस्ट है, बांग्लादेशी ब्रिटिश साइंटिस्ट है और ये डायरेक्टर रह चुके हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर रह चुके हैं ये, तो ये प्रोफेसर है ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी, एक बांग्लादेश यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर भी रह चुके हैं आपके सलीम उल हक, और नेचर के टॉप 10 साइंटिस्ट में से इनका नाम लिया गया है 2022 में, तो नेचर एक जर्नल है जहां पे बहुत फेमस जर्नल है, बहुत ही हाई ग्रेड के जो पेपर्स होते हैं वो नेचर में छपते हैं, तो नेचर ने 2022 में इनको टॉप 10 साइंटिस्ट में गिना, ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज के लिए है, याद रखिए सलीम उल हक बांग्लादेशी ब्रिटिश ऑरिजिन, बांग्लादेशी ऑरिजिन ब्रिटिश साइंटिस्ट। नेक्स्ट हेनरी एल्फ्रेड किसिंजर का डेथ हो गया, तो ये आपके यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, प्रेसिडेंशियल कौन प्रेसिडेंट थे तब, रिचर्ड निक्सन के अंडर भी काम किया इन्होंने, जेरल्ड फोर्ड के अंदर भी काम किया 69 से 77 तक, तो ये आपके फेमस अमेरिकन डिप्लोमेट जिनका नाम है हेनरी एल्फ्रेड किसिंगर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रॉबर्ट चार्ल्टन की, ये आपके प्रोफेशनल फुटबॉलर है इंग्लैंड के, इनका डेथ हो जाता है ये, ठीक है,
और ये मेंबर ऑफ द इंग्लैंड टीम दैट वन द 1996 में वर्ल्ड कप था वो इंग्लैंड की तरफ, तो उसके ये टीम के मेंबर रह चुके हैं। नाम इनका सर रॉबर्ट चार्ल्टन। नेक्स्ट बात करते हैं नासा अपोलो 16 के एस्ट्रोनॉट थॉमस केनेथ मैटिंगली। थॉमस केनेथ है 87 का एज था इनका जब ये रिसेंटली पास आउट पास अवे हुए हैं। नासा अपोलो 16 के एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं ये। मूविंग ऑन, ली की कियांग ये चाइनीज इकोनॉमिस्ट है जो प्रीमियर रह चुके हैं या चाइना के 2013 से 2023 तक। तो ही वॉज द प्रीमियर ली के कियांग। ठीक है, तो सेकंड रैंक पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर रह चुके हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। ये पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होती है सबसे इनकी पावरफुल कमेटी, उसमें सेकंड नंबर पोजीशन इनका था। ठीक है, तो ये 2012 से 2022 तक ली वॉज द मेजर पार्ट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ चाइनीज लीडरशिप अलॉन्ग जी जिंगपिंग के साथ लीडरशिप में ये रहे हैं आपके ली कीकियांग। मूविंग ऑन, उसके बाद कात्यायनी अम्मा आपकी ओल्डेस्ट लर्नर अंडर द केरला स्टेट लिटरेसी मिशन। तो केरला स्टेट लिटरेसी मिशन चला था जिसमें लिटरेसी प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को। तो ये सबसे ओल्डेस्ट महिला बनती है जो पास करती है ये। ठीक है ना, ये मिशन लिटरेसी मिशन एट द एज ऑफ 96 ये जो लिटरेरी एग्जामिनेशन लेता है, ये केरला स्टेट लिटरेसी मिशन में एग्जाम लिया था। इसमें 100 में से 98 नंबर आए थे इनको, और इनकी एज थी 96 की एज में उन्होंने ये पास किया था। ठीक है ना, वो तो कहता है ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो कात्यायनी अम्मा इसका प्रूफ बनी। ठीक है, इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर वुमेन नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया कात्यायनी अम्मा को। नेक्स्ट बात करते हैं श्री वेंकटी रमन। ये इंडिया इंडिया सिविल सर्वेंट है आपके, 18 गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे। याद रखना है श्री वेंकट रमन, जब हम लोगों का क्राइसिस चल रहा था 1990 और 1992 का क्राइसिस चल रहा था इकोनॉमिक क्राइसिस, उस समय आपके ये गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके थे। ठीक है, श्री वेंकट रमन नाम याद रखिएगा। फिर सुब्रत रॉय आपका सहारा परिवार को के फाउंडर है। ठीक है, 1978 में इन्होंने सहारा इंडिया परिवार को स्टार्ट किया था। इसके अलावा और अलग अलग कंपनीज भी इन्होंने चालू की, जैसे एमबी वैली, सहारा मूवी स्टूडियो, एयर सहारा, उत्तर प्रदेश विजर्ड्स एंड द फिल्मी, ये कुछ कंपनियों के नाम है। तो सहारा के फाउंडर हैं ये थे सुब्रत रॉय, जिनकी डेथ हो जाती है नवंबर 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फातिमा बीवी। यहाँ पे देख रहे हैं फातिमा बीवी ये सबसे पहली महिला जज बनती है टू सर्व द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल जज टू सर्व द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 1989 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ऑल्सो द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू एनी ऑफ द कंट्रीज हाइयर जुडिशरीज। तो पहली तो महिला बनती हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज के रूप में नियुक्ति मिली, साथ में पहली मुस्लिम महिला बनती हैं किसी भी रूप में, किसी भी हाइयर जुडिशरी में पद पाने वाली जो पहली मुस्लिम महिला बनती हैं फातिमा बीवी। ठीक है, अच्छा, इनका रिटायरमेंट के बाद भी ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की मेंबर रह चुकी हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की मेंबर रह चुकी हैं, और तमिलनाडु की गवर्नर भी रह चुकी है 1992 में। उसके बाद वो ऑब्वियसली तमिलनाडु यूनिवर्सिटी की चांसलर रही है ड्यूरिंग दिस टाइम, कि जो भी गवर्नर होता है वो आपके यूनिवर्सिटीज का चांसलर भी होता है। तो ये बात हुई फातिमा बीवी जी की, जिनका अभी अभी देहांत हो गया। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन का। एम एस स्वामीनाथन तो बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने उनका नाम ना सुना हो। मेन आर्किटेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में आया था उनका जो मेन आर्किटेक्ट थे एम एस स्वामीनाथन थे। तो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ व्हीट और राइस यहाँ पे प्रोड्यूस करना चालू किया था। तो स्वामीनाथन जी ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ कोलाबोरेशन करके इंडिया और पाकिस्तान में उस समय बहुत ही खराब हालत थे, भुखमरी की हालत थी उस समय। ग्रीन रेवोल्यूशन आता है और ढेर सारा व्हीट और राइस का प्रोडक्शन इंडिया में चालू होता है। ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन द फिलीपींस के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रह चुके हैं। अवार्डेड द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987। तो वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है, आजकल दिया जाता है, ये 1987 में चालू किया गया था, सबसे पहली बार दिया गया था एम एस स्वामीनाथन साहब को। द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम कॉल्ड हिम फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। इनको क्या बोला जाएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। ठीक है, याद रखिए फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसको बोला जाता है, एम एस स्वामीनाथन जी को। नेक्स्ट, बिशन सिंह बेदी के बारे में भी सबको पता है, ये एक बॉलर रह चुके हैं, लेफ्ट आर्म स्लो बॉलिंग करते थे, स्पिन बॉलिंग करते थे,
और 66 से लेकर 79 तक 13 साल ये खेलते हैं, 67 टेस्ट और 266 विकेट लेते हैं, और कैप्टन भी रह चुके हैं इंडियन टीम के 22 मैच में ये लोग, ये कैप्टन भी रह चुके हैं, और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1970, और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2004 में। तो ये होते हैं बिशन सिंह बेदी। ठीक है, बात करेंगे हम लोग आगे। तो सीके नायडू अवार्ड मिला, इससे याद करिए कि अभी रिसेंटली सीके नायडू अवार्ड उसको मिला था, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। तो ये सब चीजें कनेक्ट करते रहिए और याद करते रहिए चीजों को, बिशन सिंह बेदी। नेक्स्ट बात करते हैं मनोहर सिंह गिल, इनके बारे में जानते हैं। ये ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पार्ट थे फ्रॉम 1958 और 2001 तक, ये आईएएस के ऑब्वियसली पार्ट थे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, 11वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये रिटायरमेंट के बाद आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं। ठीक है, 2016 तक राज्यसभा के एमपी थे, 2004 से 2016 तक। तो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स भी रह चुके हैं 2008 से 2011 मनमोहन सिंह सरकार में, और मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रहे हैं 2011 में। ये मनोहर सिंह गिल जी हैं। ठीक है, तो इनका पूरा हमने करियर यहाँ पे समझा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे, वहीं उसी के एमपी थे, राज्यसभा के भी एमपी रह चुके हैं, ये सारी बातें हम लोग को मालूम चली। इनका भी निधन रिसेंटली हुआ है। फिर बात करते हैं हम लोग मार्थी अतिसारी, मार्थी अतिसारी ये फिनलैंड के आपके 10वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और ये 1994 से लेके 2000 तक ये आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड के प्रेसिडेंट। ठीक है, और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, नोबेल पीस प्राइज विनिंग प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड वॉज मार्ती अतिसारी। याद रखिएगा, मार्ती अतिसारी कहां से है? फिनलैंड से है, नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। ठीक है, अब एक्टर्स की बात कर लेते हैं कि अमेरिकन एक्टर है। ठीक है, आपके रिचर्ड राउंडट्री, रिचर्ड राउंडट्री ये आपके अमेरिकन एक्टर हैं, सिंगिंग भी करते हैं और फैशन मॉडल भी हैं। तो इनका फेमस रोल था जॉन शार्प का इन 1971 के एक फिल्म शाफ्ट में, जॉन शाफ्ट का रोल इन्होंने किया था। तो ये एक सबसे पहले ब्लैक एक्शन मूवी सुपर हीरो माने जाते हैं, फर्स्ट ब्लैक एक्शन मूवी स्टार। एक्शन क्या करते थे आपके, जॉन शार्प कह रहा हूँ, रिचर्ड राउंडट्री जिन्होंने रोल किया था जॉन शार्प का। ठीक है ना, तो रिचर्ड राउंडट्री के बारे में, फर्स्ट ब्लैक एक्शन मूवी हीरो। नेक्स्ट ये मोहम्मद हबीब जी का डेथ हुआ है। कौन है ये? फुटबॉलर है, इंडिया के फुटबॉलर है, बंगाल के लोग जरूर जानते होंगे इन्हें। ठीक है, काफी फेमस फुटबॉलर रह चुके हैं, कप्तान रह चुके हैं इंडिया के नेशनल टीम के, इनको बड़े मियां भी बोला जाता था ऑफ इंडियन फुटबॉल। ठीक है, ये संतोष ट्रॉफी फाइनल में 5 गोल मार चुके, दागने वाले प्लेयर थे 1969 के संतोष ट्रॉफी में, इन्होंने 5 गोल दागे थे। तो हबीब जी को पेले जो महान फुटबॉलर हैं उन्होंने भी प्रेज किया है और कहा है कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर रह चुके हैं। तो 1970 में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जो हमारी टीम थी, फुटबॉल की टीम, फुटबॉल में देखिए हम लोगों ने ब्रॉन्ज जीता है एशियन गेम्स में, तो काफी उस समय इंडिया का फुटबॉल बहुत अच्छा हुआ करता था। तो उसी टीम के कैप्टन हुआ करते थे मोहम्मद हबीब। ठीक है ना, मोहम्मद हबीब जी के बाद हम लोग बात करते हैं एक और महान हस्ती जिनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। तो बिंदेश्वर पाठक आजकल जो सुलभ, आपने देखा हो ना सुलभ शौचालय के बारे में सुना होगा ना, तो वो सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा बनाया गया है। तो सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर थे, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सैनिटेशन के ऊपर इनका काम है, ह्यूमन राइट के ऊपर काम है, और ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस और वेस्ट मैनेजमेंट और सोशल रिफॉर्म्स और एजुकेशन, इस पर काफी काम कर चुके हैं। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। ये स्वच्छ रेल मिशन इंडियन रेलवे का है। ठीक है, अब अ कम्प्लीमेंट टू द ब्रॉडर स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, ऑब्वियसली स्वच्छ भारत मिशन का एक पार्ट है स्वच्छ रेल मिशन, उसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। इनको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक्स एंड मैनेजमेंट मिला है 2017 में, पद्म भूषण मिल चुका है 1991 में, पद्म भूषण मिल चुका है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड मिल चुका है। ये है बिंदेश्वर पाठक, इनका रिसेंटली अगस्त में देहांत हुआ। ये है येवगेनी प्रिगोजिन। ठीक है, येवगेनी प्रिगोजिन ये काफी फेमस हो गए थे इस समय, क्योंकि एक रशिया के मर्सनरी लीडर, मर्सनरी क्या होती है, एक आर्मी होती है, लेकिन आर्मी को पैसे दीजिए वो पैसे लेकर लड़ाई करती है, उसे बोलते हैं मर्सिनरी। तो ऐसी रशिया की एक आर्मी थी, उनके हेड थे कौन,
येवगेनी प्रिगोजिन, ठीक है, तो ही लेट द वैगनर ग्रुप था इनके प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का नाम, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, मर्सनरी है ना, इनको जो पैसा देगा उसके लिए लड़ेंगे। तो रशिया पैसा देता था तो बचा के लड़ते थे, और रशियन व्लादिमीर पुटिन के ये काफी क्लोज भी थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जून में इन्होंने रेबेलियन कर दिया। तो इनको पुतिन शेफ भी बोला जाता है, क्योंकि ये काफी सारे रेस्टोरेंट ओन करते हैं, ठीक है, इनका केटरिंग का बिजनेस भी है। तो इन्होंने व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट रिबेलियन कर दिया था जून में, ठीक है, तो इन्हीं का देहांत हो जाता है, येवगेनी प्रिगोजिन का, ठीक है। अरुणाचलम जी, वी एस राघवन अरुणाचलम, ठीक है, ये आपके डीओडीओ के फॉरवर्न हेड थे, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ सी एस टी एफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थिंक टैंक। तो सी स्टेप के चेयरमैन रह चुके हैं, डीआरडीओ के पुराने आपके हेड रह चुके हैं, ये है वी एस राघवन अरुणाचलम। फिर बात करते हैं हम लोग उमन चंडी, उमन चंडी नाम सुना होगा, ये 10वें चीफ मिनिस्टर होते हैं केरला के, 2004 से लेकर 2006 और 2011 से लेकर 2016 ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं, केरला के सीएम भी रह चुके हैं, ये है उमन चैंडी, इनका भी रिसेंटली देहांत हुआ। बात करते हैं करवत्तु मना वासुदेवन नम्बूथिरी, ठीक है, नम्बूथिरी नाम से ये फेमस है, नम्बूथिरी नाम से फेमस है, पेंटर है, स्कल्पचर है, और केरला ललित कला एकेडमी के ये आपके चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है ना। द अकाडमी अवार्डेड हिम द राजा रवि वर्मा अवार्ड, राजा रवि वर्मा अवार्ड इनको 2003 में दिया गया, और ये ही वॉज ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट आर्ट डायरेक्टर। तो फिल्मों में ये आर्ट डायरेक्शन का भी काम कर चुके हैं, ये नम्बूथिरी, इनका भी देहांत हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लेंडा मे जैक्सन, ये एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, पॉलिटिशियन भी रह चुकी हैं, ठीक है, और इनको 3 एमी भी मिल चुका है, 2 BAFTA भी मिल चुका है, ये आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है यूके की, और लेबर पार्टी की मेंबर रही है, और 23 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और पहले एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। तो ये उनके एक्ट्रेस के दिनों की फोटो, ये उनके रिसेंट की फोटो, ठीक है। तो ये है ग्लेंडा मे जैक्सन, यूके की पार्लियामेंटेरियन और एक्ट्रेस। नेक्स्ट, उसके बाद जॉन बैनिस्टर गुडेनफ, ये आपके जॉन बैनिस्टर साहब हैं, ठीक है, ये बेसिकली साइंटिस्ट है, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिसिस्ट है, और इनको नोबेल मिला है केमिस्ट्री में, ठीक है, ही इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग मटेरियल्स फॉर कंप्यूटर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड विद इन्वेंटिंग कैथोड मटेरियल फॉर्म लिथियम आयन बैटरीज। तो लिथियम आयन बैटरीज के लिए ये फेमस है, ठीक है ना, लिथियम आयन बैटरीज, ये कैथोड के मटेरियल का इन्होंने इन्वेंशन किया था, ये है आपके जॉन बैनिस्टर गुडेनफ, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, क्योंकि भाई लिथियम आयन बैटरीज तो अभी फेमस हो रही है, और आप ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अगर आएंगे तो इनका लिथियम आयन बैटरीज का काफी ज्यादा यूज भी होगा, तो इसी का कैथोड मटेरियल का इन्होंने इन्वेंट किया था, उसी के लिए इनको आपको नोबेल प्राइज भी दिया गया, इन्हीं का देहांत हुआ रिसेंटली, हरिद्वार दुबे, हरिद्वार दुबे जी हैं, ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा से हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन लड़े, आगरा कैंटोनमेंट में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनते हैं कल्याण सिंह मिनिस्ट्री में, और भारतीय जनता पार्टी के ये मेंबर थे, ठीक है ना, इन्हीं का देहांत हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं हरिद्वार दुबे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये स्टोरी है आपके सुजैन लियोपोल्डिना जीसस की। तो ये आपकी 59 ईयर्स की महिला थी, जिनको आपका पेसमेकर लगा हुआ था, हार्ट में जब पेसमेकर लगता है तो आपको सावधान रहने की जरूरत होती है, तो लेकिन ये चाहती थी कि ये माउंट एवरेस्ट को चढ़े, और पहली ऐसी एशियन महिला बनती है, बनना चाहती थी कि जो आपका पेसमेकर के साथ जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, लेकिन काफी डिफिकल्ट काम था, और ये 5800 मीटर तक चढ़ चुके थे, ठीक है, उसके थोड़ा सा ऊपर जाके, एक्चुअली टोटल हाइट आपकी 8848 है, ये 5800 तक चढ़ चुकी थी, ये देखिए बेस कैंप में इनकी फोटो भी है, लेकिन उससे ऊपर जाती हैं और इनका हार्ट फेल कर जाता है और इनका डेथ हो जाता है, तो ये नहीं बन पाती, ठीक है। ये है सुजैन लियोपोल्डिना जीसस, इनका डेथ हो गया रिसेंटली, देखा हमने। उसके बाद पद्मा देसाई, पद्मा देसाई कौन है, ये आपके इंडियन अमेरिकन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट है पद्मा देसाई जी, ठीक है, और ये डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमिक्स एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रह चुकी हैं, और इनको पद्म भूषण भी मिला है 2009 में, 2009 में इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है पद्मा देसाई जी को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गीतांजलि अय्यर, अगर आपने दूरदर्शन देखा हो, ठीक है,
दूरदर्शन पुराने जमाने की अगर आपने मौका लगा तो ये इनको जरूर आपने देखा होगा, इनका नाम है गीतांजलि अय्यर। ये आपकी न्यूज एंकर हुआ करती थी, न्यूज प्रेजेंटर हुआ करती थी दूरदर्शन में, ठीक है। तो पार्किंसन डिजीज हो गया था और 71 का एज इनका हो गया था, उनका देहांत हो जाता है तो फ्रॉम ब्रेन ब्रेन हेमरेज, सॉरी ब्रेन हेमरेज के कारण इनका डेथ हो गया था, और ये आपका पार्किंसन डिजीज से ग्रसित थी, ठीक है। ये है गीतांजलि अय्यर। बात करेंगे हम लोग सुलोचना लटकर जी की। सुलोचना लटकर, उनका स्क्रीन नेम था सुलोचना। मराठी फिल्म में काम किया उन्होंने, हिंदी फिल्म में भी काम किया। माँ के रोल में आपने देखा था ना, ये माँ के रोल उनको काफी ऑफर होते थे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने फिल्म की जैसे कि दिल देके देखो, और निरूपा राय जी के साथ इनका काफी कंपैरिजन किया जाता है क्योंकि मदर के रोल्स, माँ के रोल्स में काफी ज्यादा दिखती हैं ये सुलोचना लटकर, ठीक है। नेक्स्ट रणजीत गुहा। रणजीत गुहा आपके हिस्टोरियन है, ही वॉज एडिटर ऑफ सेवरल ऑफ द ग्रुप्स अर्ली, ठीक है, जो भी है। ये इंग्लिश और बंगाली में लिखते थे, ठीक है। रणजीत गुहा हिस्टोरियन, इनका भी डेथ होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौर सिंह, कौर सिंह देख सकते हैं, ये बॉक्सर है, ठीक है ना, ये बॉक्सर है। इनका पुराना तस्वीर और इनका रिसेंट का तस्वीर, तो इंडियन हेवी वेट चैंपियन बॉक्सर फ्रॉम पंजाब, ठीक है। सिंह हैव वॉन 3 गोल्ड मेडल्स एंड सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप और एशियन गेम्स। ऐसा कहा गया है कि भाई ये मोहम्मद अली से भी फाइट कर चुके हैं, कौर सिंह इनका नाम है, तो इनका भी देहांत हो जाता है। ये बात कर ली हम लोगों ने, चैंपियन हमारे बॉक्सर कौर सिंह, एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल आया इनका, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी आया और नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आया इनका, और ये मोहम्मद अली से भी फाइट कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रकाश सिंह बादल जी की। तो ये पंजाब के पॉलिटिशियन है, इनके बारे में सब जानते ही हैं। 8वें चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रह चुके हैं 1972-1971, उसके बाद 77 से 80 तक भी ये रह चुके हैं आपके सीएम, 97 से 2002 भी रहे हैं, 2007 से 2017 भी रहे हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब टू डेट, आपके यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर का, ठीक है, तो मोरारजी देसाई की मिनिस्ट्री में, और फ्रॉम 77 ही बनाया गया था, ठीक है। ये आपके शिरोमणि अकाली दल, इन्होंने चालू किया था बाद में, ठीक है। ये आपका रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी पंजाब की, और 95 to 2008 तक ये शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट रहते हैं। उसके बाद सुखबीर सिंह बादल इनके ही बेटे हैं, अभी करेंटली ये भी यही प्रेसिडेंट है। जनता पार्टी वॉज एसेंशियली हिज ब्रेन चाइल्ड अगेंस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस। जनता पार्टी का जो फॉर्मेशन है ना, जिसकी जिसके थ्रू मोरारजी देसाई आपके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था, तो उन्हीं की मिनिस्ट्री में ये रह भी चुके हैं। ये है प्रकाश सिंह बादल, इनका भी रिसेंटली देहांत हुआ। तारिक फतेह जी, तारिक फतेह जी आपके पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और कैनेडियन जर्नलिस्ट हैं और ऑथर भी हैं, ठीक है, और इनका डेथ हो गया अभी रिसेंटली, ठीक है। काफी फेमस पर्सन है, इनके बारे में आपको जरूर टीवी डिबेट में आपने इनको जरूर देखा होगा, तारिक फतेह। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सलीम अजीज दुरानी। सलीम अजीज दुरानी आपके अफगानिस्तान में इनका जन्म हुआ था, इंडियन क्रिकेटर थे, 29 टेस्ट मैचेस खेले थे इन्होंने। ये आपके स्लो बॉलिंग करते थे, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और सिक्स सिटिंग के लिए काफी फेमस थे कि बहुत ज्यादा सिक्स मार लेते हैं ये, ठीक है ना। ये है हमारे सलीम दुरानी। ही वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर टू विन अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड जीतने वाले सबसे पहले क्रिकेटर कौन थे? सलीम दुरानी। देखिए इसको बिल्कुल मार्क कर लीजिए, याद करिए, अर्जुना अवार्ड जीतने वाले सबसे पहले क्रिकेटर कौन बनते हैं? आपका सलीम दुरानी भी। इनको भी सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, ठीक है। अभी देखा बिशन सिंह बेदी जी, उनको भी मिला था सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो द हाइएस्ट अवार्ड बिस्टोड टू एन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑन एनी फॉर्मर प्लेयर, ठीक है। तो ये बात होती है सलीम अजीज दुरानी की, ठीक है ना। इसके साथ ही हम लोगों ने सारे जितने भी ऑबिचुरीज हैं उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, करंट अफेयर्स हम लोग आगे बढ़ाएंगे कल, बाकी सब इंपॉर्टेंट चीजें खत्म करेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।